जय माता दी पेट्रोल पंप से। मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वृद्धि के लेकर देवघर के आम जनता की क्या राय है, मैं चलिए उनसे राय लेता हूँ। जी बताया जाए, ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें की वृद्धि हुई है उसमें क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी परेशानी है। एक टाइम में जहाँ 72 रुपये में मिलते थे पेट्रोल पर लीटर, आज 79 रुपये हो गए हैं। और गरीब लोग रहते हैं, उनसे मैं अगर ज़्यादा पैसे की डिमांड करता हूँ तो वो कहाँ से देंगे बेचारे? ये सब परेशानी है। देखिए पेशेंट हैं और पेशेंट से हम भी अब कितना क्या मांग सकते हैं उनसे, हमारा भी खर्च होता है और वो खर्च हम लोग अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि वो पेट्रोल का दाम थोड़ा कम करें जिससे कि गरीब गेरुआ का रोजी रोटी चल सके। परेशानी है, तेल का दाम बढ़ गया है, कैसे होगा हम लोग का गरीब का? कमाने खाने वाले हैं, कमाने खाने वाला आदमी है, बहुत दाम बढ़ गया है पेट्रोल डीजल का। मजदूरी बढ़ता नहीं है, मजदूरी नहीं बढ़ता है और खाली जो है तेल महंगा होते जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं तेल और पेट्रोल के डीजल के वृद्धि को लेकर? तेल हम लोग टेम्पू चलाते हैं, एकदम कमाई धमा कुछ नहीं हो रहा, जो भी कमाते हैं सब टेम्पू में डूब जाता है, तेल जल जाता है। 76 रुपया लीटर डीजल का खान हमें चलें, 73 हो गया, वही तो बोले इधर मतलब 10 रुपया भाड़ा बेसी नहीं देता है जबरदस्ती। बताइए क्या नाम हुआ? मैं सुनील कुमार देवघर से। चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ धनबाद में राजीव ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप पे। आए दिन पेट्रोलियम पदार्थ की वृद्धि पे आइए जानते हैं जनता की क्या राय है। सारे वृद्धि है, डीजल का हाइक इस तरीके से है, पूरा अर्थव्यवस्था आज के बीच में डावाडोल हो चुका है। डीजल और पेट्रोल में डिफरेंस होता है, डीजल की सब्सिडी मिलती है सरकार, डीजल की सब्सिडी बिल्कुल ही खत्म है। आपको मुझे लगता है कि भारत में जितनी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो डीजल इंजन ही बनाएगी या फिर पेट्रोल इंजन बनाएगी, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन करना बड़ा डिफिकल्ट है। इस तरह तो पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि आम जनता को बहुत परेशानी है, क्योंकि पेट्रोल से ही बहुत जनता का जीवन आधार है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ सरकार को करिए। इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम बढ़ रहा है तो इंडिया में भी बढ़ेगा, इसमें कोई सरकार का कुछ करने का है नहीं। ठीक है। तो और भी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सैलरी भी तो बढ़ रही है। हर चीज़ का, सब्जी का भी दाम बढ़ रहा है, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ का भी दाम बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हर 2 मीटर सड़कों पर 2 मीटर के बाद एक गाड़ी है। अपने सुनी धनबाद की जनता की राय। अब आइए चलते हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता अभिषेक के पास। डीजल पेट्रोल के मूल्य में उछाल के बाद एक बार फिर किचकिच शुरू हो गई है। देश भर में यह मुद्दा बहस का मुद्दा बना हुआ है। अभी हम इसी मुद्दे पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं गिरिडीह के भंडारी डे स्थित केसर पेट्रोल पंप पर। हम बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि अभी मूल्य क्या चल रहा है। हम यहाँ के कर्मियों से बात करेंगे। अभी पेट्रोल और डीजल का मूल्य क्या चल रहा है? पेट्रोल का रेट अभी है 80 रुपया 13 पैसा, डीजल का रेट है 81 रुपया, 77 रुपया। यानी पेट्रोल का मूल्य रिकॉर्ड उछाल पर है। हम इस मुद्दे पर बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, ग्राहकों से जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्या इनका व्यू है। बताइए। महंगाई बढ़ गया है, क्या परेशानी आप बस होती है? पेट्रोल का दाम घटे मोदी जी, पेट्रोल का दाम घटाए, सब परेशान है। दाम कम हो रहा है, वर्क करते हैं, आए दिन पेट्रोल का दाम बढ़ते ही जा रहा है। दिन जा रहा है उसमें बढ़ते जा रहा है। मोदी जी का जो वादा था, वादा भी पूरा नहीं हुआ। बस अभी तक मोदी जी कुछ मोदी जी अपने वादों पर खड़े नहीं उतर पाए हम। तो यह था गिरिडीह का सूरत हाल। हम अपने सहयोगी नफीस के साथ यहाँ का जायजा ले रहे थे। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं बोकारो। देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही है और इसको लेकर हम अभी खड़े हैं बोकारो जिले के चास स्थित केडिया पेट्रोल पंप। और हम आइए अब जानते हैं लोगों से कि आखिर पेट्रोल की मार लोगों को कितनी लग रही है और इसके लिए लोग क्या सोचते हैं। कीमत बढ़ गया है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। मोदी सरकार
सरकार बोल रही थी कि जब हम जीते केंद्र सरकार आएगा तो पेट्रोल डीजल बिजली पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से होगी, पेट्रोल डीजल का दाम घटाएंगे। अभी दिन के दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है, इसके लिए बहुत दिक्कत है और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, आम आदमी को बहुत कष्ट हो रही है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है पेट्रोल। तो इसमें क्या दिक्कत क्या आया अभी? बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सरकार से दिक्कत है कि सरकार घटाइए। पैसा वाला का ही लेकिन दिक्कत तो है। दिक्कत रहने से क्या, गरीब के लिए तो ठीक है, गरीब तो का नहीं गाड़ी चढ़ सकता। आप तो गाड़ी चढ़ के आए हैं अभी? आप तो अभी आए हैं। हाँ, तो दिक्कत तो है ना। दिक्कत तो है, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें, लोग इससे खासे परेशान हैं। अब हम आइए चलते हैं हजारीबाग, और हजारीबाग में हमारे संवाददाता रोहित वर्मा बताएंगे कि वहाँ क्या हाल है, लोग क्या कहना चाहते हैं पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर, अपनी राय देते हैं। हम खड़े हैं हजारीबाग के इधर चौक लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास, और पूरे भारत देश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे हजारीबाग पूरे भारत में लोग परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। आइए हम जानते हैं कि दाम बढ़, जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इससे कितना परेशान है यहाँ की जनता, हजारीबाग की जनता? बहुत परेशान है सर, पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रहा है, क्या करेगा, करने पड़ रहा है। सरकार जो है साइकिल बेच कर सोच रहे साइकिल ही खरीद, क्योंकि अभी 90 रुपये की तेल भराने का इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला और गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग का सरकार जो है बिल्कुल गरज से नहीं कम है। इतना दिन पर दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो आदमी क्या करेगा? सर, अभी जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जब से भाजपा की सरकार आई है बहुत तेज़ी से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आपको आने वाला जो एक साल बचा हुआ उसमें क्या होगा डीजल और पेट्रोल का? जो होगा बाद में, जब 54 रुपये डीजल का दाम बता हम लोग गाड़ी खरीदते आए हुआ, जो 74 रुपये दाम हो गया भाड़ा वही तो वही, हम लोग गाड़ी खड़ा करके लेबर का काम करना चाहते हैं। आपको कि जिस तरह सरकार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, जिससे पूरे भारत देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, और लोग गाड़ी छोड़कर साइकिल पे आना चाह रहे हैं, और ड्राइवर छोड़कर एक कूली का मजदूरी करना चाह रहे हैं, क्या लगता है इससे हमारी सरकार एक विकास की राह पे जा रही है कि धरातल की राह में? आइए हम जानते हैं जमशेदपुर के संतोष, हमारे जो संवाददाता हैं संतोष कुमार, उनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है और वहाँ पे हमारी जनता की क्या राय है। जमशेदपुर में खड़े हैं, जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के बाद जो स्थिति बनी हुई है, हम जानने निकले हैं कि यहाँ के उपभोक्ता किस स्थिति में और क्या वो जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत क्या है, अपने सहयोगियों से अपील करते हैं जब उस पेट्रोल मशीन की ओर दिखाने का प्रयास करें और ये दिखाएं कि आखिर पेट्रोल जमशेदपुर में किस दाम से बिक रही है। पेट्रोल की कीमत काफ़ी हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है, किस वजह से आप देखते हैं? पेट्रोल का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, आम लोगों के पॉकेट पर कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। क्या क्या सुझाव है आपका, क्या होना चाहिए? पेट्रोल का दाम घटना चाहिए, ये तो बहुत इसका 59% लमसम टैक्स है, तो कहा जाता है पैसा वो तो विकास में जाता है, आप ही का विकास करता है, मेरा विकास करता है, सबका विकास। चार साल पहले भी तो पैसा विकास में जाता था, चार साल पहले भी तो रेट आपका 76 रुपये गया था, 77 रुपये गया था ना, तो 4 साल का बाद जब दाम में जब रुपया का मूल्य में तो गिरावट आएगा हर साल, सातवां वेतन आयोग लगता है, तो उस समय भी तो पैसा वहाँ भी पैसा देना है, सब जगह पैसा देना, तो कहाँ से पैसा देगा? फर्क तो पड़ता है, छोटा छोटा बहुत सारा फर्क पड़ता है, जो हम लोग को मतलब क्लियरली दिखता है, जो डेली हम लोग को यूजर्स है, ये बेसिक चीज़ है हमारा पेट्रोल, ठीक है, इसी पर सब चीज़ आधारित है। अब हम राजधानी रांची की ओर चलते हैं और वहाँ से हमारे संवाददाता मनीष झा से जानने का प्रयास करेंगे कि रांची में उपभोक्ताओं का क्या, वहाँ उपभोक्ताओं की क्या स्थिति है, कैसा महसूस करते हैं उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद? अभी हम हारमू बाईपास के पेट्रोल पंप पर स्थित खड़ा हूँ और यहाँ के दिनों दिन जो पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी हो रही है,
उसी को लेकर आम पब्लिक से मैं राय जान रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम पब्लिक के पॉकेट में कितनी की कट डाका डाला जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं उस आम पब्लिक से जो पेट्रोल भरा रहे हैं। देखिए भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा हो रहा है। पहले थोड़ा सा महंगाई बढ़ रहा क्या रहा, लेकिन अपना इंडिया तो सुधरेगा। थोड़ा महंगाई ज़्यादा कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट झेलेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद। विपक्ष के द्वारा कल बंदी बुलाया गया पेट्रोल डीजल को लेके, इसको आप कितना उचित मानते हैं? बंद बंद कोई सलूशन नहीं है, बंद से तो और जो बढ़ गया वो तो और बढ़ते जा रहा है, यही तो ये है, जो बढ़ रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है। रांची के दूसरे पेट्रोल पंप की स्थिति जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार से जानेंगे। पंप भारत पेट्रोलियम जिसका नाम है, और यहां से जानते हैं कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है पेट्रोल के बढ़ते कीमतों को लेकर। चलिए सीधे चल के बात करते हैं यहां के कंज्यूमर से जो कि यहां पेट्रोल भरवाने आए हैं। यहाँ पर आदमी 50-60 रुपए में अपना एक दिन भर में काम चलाता था, अब वो डबल हो गया है। सरकार इसमें कोई अच्छा रवैया नहीं अपना रही है, पता नहीं क्यों नहीं अपना रही है, ये सरकार बेहतर जानती है। पॉकेट पे कितना इफेक्ट पड़ा है? पॉकेट पे दुगना हो गया, दुगना कुछ नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा है महंगाई, महंगा हो जा रहा है पेट्रोल, 80-81 रुपये चल रही है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं, जिसे खासकर आम वर्गों के लोगों के बजट पर खासा असर पड़ रहा है। आपको हम सीधे तौर पर जनता से सुनाते हैं कि क्या आखिर इस बढ़ते दाम के जो वो बातें हैं वो केंद्र सरकार से कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो आप खुद एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, आपको कितना परेशानी होता है, खासकर आम वर्गों की अगर बात करें तो आपको कितना परेशानी होता है जो बजट गड़बड़ाई है इस पेट्रोल दाम की? हाँ, पेट्रोल का दाम जो डेली बाहर निकलने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जो कामकाजी लोग हैं वो तो डेली बाहर निकलते हैं, तो ना सिर्फ पेट्रोल के दाम का पेट्रोल गाड़ी चलाने वालों पे असर पड़ता है, लेकिन पूरे घर के बजट पे बहुत असर पड़ता है। जी बिल्कुल, घर के बजट पे पूरा असर पड़ रहा है, खासकर गृहिणियों के, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आखिर असर पड़ा है इस पेट्रोल के दाम को बढ़ने से। बहुत असर पड़ रहा है भैया पेट्रोल पे, असर तो इतना पड़ रहा है कि 100 रुपये में जहाँ दो दिन पेट्रोल चलता था एक दिन चल रहा, अब भाड़ा तो अच्छे ही पड़ रहा है। क्या होना क्या चाहिए था? होना क्या, एक लिमिट होना चाहिए इसका, या तो गाड़ी बंद कर दो या गाड़ी कम कर दो, गाड़ी भी बढ़ रही है पेट्रोल भी बढ़ रहा है। प्रभाव तो सभी के आम जनता को प्रभाव पड़ ही रहा है, अब अभी दाम बढ़ा है तो सारा चीज़ का दाम तो बढ़ ही रहा है। आज जैसे टेम्पू है वो लोग भी बोलता है कि रेट बढ़ गया, तो अब भाड़ा भी बढ़ रहा है, तो इस तरह से सारा चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। जनता जो है वो परेशान हो रही है।